हेलो गाइस कैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने फेसबुक मैसेंजर की डिलीट हुई चैट को रिकवर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जान लेते हैं अगर आपने फेसबुक में गलती से चैट को डिलीट कर दिया है और अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना होगा और उसमें आपको उस आईडी से लॉगिन कर लेना होगा जिस आईडी की आपको चैट रिकवर करना है तो यहाँ पे ना मेरी आईडी पहले से ही लॉगिन है तो उसके बाद आपको ऊपर को कोने में थ्री लाइंस देखने को मिलेंगी आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे जाना है नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें रिकवर करने के लिए वो जो हैं पोस्ट मैसेज और यहाँ पे इवेंट्स पोल्स और प्लेस यहाँ पर ना तो बहुत सारी चीज़ें पर मुझे सारी चीज़ें रिकवर नहीं करनी क्योंकि मुझे तो चैट ही रिकवर करनी है तो आपको क्या करना है यहाँ तो पे आपको डिससेलेक्ट तो ऑल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको डिससेलेक्ट कर देना है जिससे सारे जो सेलेक्टेड थे वो डिससेलेक्ट तो हो जाएंगे पर मुझे तो चैट रिकवर करनी है तो आपको यहाँ पर सेकंड तो नंबर पर मैसेजेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको इसे टिक कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल नहीं करना है क्योंकि मुझे तो चैट ही रिकवर करनी है तो यहाँ पर ना तो मैं मैसेज को ही सेलेक्ट करके रखूँगा तो आपको भी मैसेज को ही सेलेक्ट करके रखना है और सारे को अनटिक कर देना है उसके बाद आपको नीचे जाना है नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन देखना सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट रेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो अगर आप लाइफ टाइम की जो चैट है वो रिकवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है ऑल ऑफ माय डेट पे आपको सेलेक्ट करना है ऑल ऑफ माई डेटा पे और यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया तो यहाँ पे ऑल ऑफ माय डाटा पे सेलेक्ट करके रखना है तो अगर आप सारी चैट रिकवर करना है चाहते हैं जैसे कि आज से लेकर जब तक की मतलब आपने आपकी जो भी टोटल चैट है वो आप रिकवर करना चाहते हैं तो ऑल ऑफ माई डेटा पे आपको सेलेक्ट करना है पर अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे कि चुनिंदा जो डेट है उसी की जैसे कि आज या कल की डेट की आपको चैट रिकवर करनी है आपको पिछले दो महीने की चैट रिकवर करनी है तीन महीने की चैट रिकवर करनी है तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपको डेट रेंज पे आपको क्लिक करना होगा और आपको कितनी डेट से कितनी डेट की आपको चैट रिकवर करनी है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर मैं अभी ये सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सारी चैट रिकवर करनी है तो अगर आप यहाँ पे किसी डेट से ले मतलब किस डेट से ले किस डेट तक तक की आप चैट रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहां से सेट कर सकते हैं कितनी डेट से लेकर आपको कितनी डेट तक की आपको चैट रिकवर करनी है वो आपको यहां पे सेट कर देना है पर मैं अभी डेट सेलेक्ट नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं सारी चैट रिकवर करने वाला हूं तो यहां पे मैं ऑल ऑफ माय डेट पे सेलेक्ट करूँगा तो अगर आपको डेट के हिसाब से अगर आपको चैट रिकवर करनी है जैसे कि पच्चीस से लेकर तीस तक की रिकवर करनी तो आप वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं पर मैं अभी वो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं सारी चैट रिकवर करने वाला हूँ तो यहाँ पर ना मैंने ऑल ऑफ़ माई डेटा पे सेलेक्ट कर दिया अगर आपको डेट लगा के रिकवर करनी है इतनी डेट से इतनी डेट की तो आप यहाँ पे डेट रेंज भी सेलेक्ट करके आप डेट सेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे नंबर आता है सेकंड नंबर में फॉर्मेट तो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे ना मैं अभी वाई डिफॉल्ट यहाँ पे एस टी एम एल सेलेक्ट है तो यहाँ पे मैं एच टी एम एल ई सलेक्ट रहने दूंगा यहाँ पे अगर आप जेसन में करना चाहते हैं तो आप जेसन में भी कर सकते हैं पर इससे कुछ भी नहीं होगा तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है तो आपको क्या करना एच टी एम एल ही सेलेक्ट करके रखना है ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो और अगर, अगर आपको पता है तो आप छेड़छाड़ कर सकते हैं पर मैं अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है उसके बाद आपको यहाँ पे ना एस डी एम एल रखना है आपको कुछ भी नहीं करना है एस डी एम एल रखना है उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया क्वालिटी पे आपको हाई कर देना है उसके बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है जैसे आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं भेजते हैं तो आपको यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे अवेलेबल कॉपीज पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये अब अभी हमारी जो कॉपी है वो बन रही है वो अभी पेंडिंग में देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है तो इसे सक्सेसफुल होने में दो से चार मिनट या दस से पंद्रह मिनट भी लग सकते हैं तो आपको वेट करना होगा तो आप यहाँ पे बार बार आएंगे तो इससे अच्छा आपको यहाँ पे बैक चले आना है इसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस सेक्शन में आपको मिल जाएगी यहाँ जहाँ पे अगर कोई फोटोज़ वीडियोस लाइक करता है कमेंट करता है तो इसी नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी योर फाइल इज़ रेडी कुछ इस तरह का तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा यहाँ पर ना वीडियो को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो अभी नहीं आइए और इसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ लाइव करके तो हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो वैस मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे योर फो फेसबुक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं और फेसबुक इन्फॉर्मेशन फ़ाइल इज़ रेडी टू डाउनलोड तो आपको इसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है तो आप वहीं पर पहुँच जाएँगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं फाइल के पास तो अब आपको क्या करना है तो अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट ठीक नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इसे यहाँ पर ना मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ लॉक लगा हुआ है इस वजह से तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वो है ब्राउज़र में ओपन हो चुका है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो है ना अभी पासवर्ड इनकरेक्ट बता होता है तो यहाँ पे मैं सही डाल देता हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा कंटिन्यू पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद आपको डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देना डाउनलोड भी क्लिक कर देना है उसके बाद आपकी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है तो अभी ये यहाँ से ओपन नहीं हो रही इसके लिए आपको फाइल में जाना होगा डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे ना ये पहले से मेरी थी तो इस वजह से यहाँ पे दो आ चुकी हैं तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ इस पर आपको क्लिक करना है ज़िप फाइल पर और उसके बाद आपको, आपको यहाँ पर ज़िफ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वरना आप डायरेक्टली भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं आपको अगर एक्सट्रैक्ट का यहाँ पे कुछ आपको फाइल नहीं दिखती तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है तो आपको क्या करना मैसेज पे क्लिक करना है इनबॉक्स पे क्लिक करना है और जितनी भी चैट होंगी वो आपको दिखाई देगी यहाँ तो पे देख सकते हैं नीरज यादव करण यादव तो यहाँ पे ना मैं अभी नीरज यादव की यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद मैसेज पे क्लिक करेंगे इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे और इसे हम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हाई हेलो हाउ आर यू ब्रो तो यहाँ पर ना ये मैंने चैट की थी तो ये इसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये पहले से ओपन थी तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ मैं आपको बिल्कुल सही से ही दिखाऊँगा तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुकी है चैट और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये भी आ चुकी है तो ऐसे आप इस चैट को देख सकते हैं तो आई होप आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आप फेसबुक की डिलीट हुई चैट को रिकवर कर सकते हैं